सभी साथियों को अनुशर का नमस्कार। साथियों, पॉलीमर का एक और रिवीजन टेस्ट मैं लगा रहा हूं और इसको देखिएगा ज़रूर, इसको करिएगा ज़रूर। ये मैं आपके लिए लगा रहा हूं। इसे आप, इसके आंसर केवल 20-21 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आप इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा ज़रूर। और ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो से पॉलीमर कितना पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब पॉलीमर्स आर, ये पॉलीमर होते क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो और सब या नन होते हैं, बताइएगा। बेकेलाइट, ये आपका टेस्ट है, यानी कि हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट है। और ये टेस्ट मात्र 20 मिनट का है, यानी कि 20 मिनट के अंदर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप टेस्ट करिएगा और देखिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। बेकेलाइट क्या है, कौन सा पॉलीमर है बेकेलाइट, बताइएगा। एडिशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्यूना एस क्या है, नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, सल्फर पॉलीमर है, नन ऑफ दीज है, ठीक है ना, कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए कि द एस इन ब्यूना, एस किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि एस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप एक बार वीडियोस देख लेंगे पॉलीमर्स की, तो यू डेफिनेटली नो वेरी वेल कि एवरी वीडियो इज़ ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर वीडियो एक कैटेगरी की क्वेश्चन है। अगर पॉलीमर्स की जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उनको आप ध्यान से देख लेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलने ही चाहिए। सल्फर यानी कि एस जो रिप्रेजेंट, वो सल्फर को नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सल्फर को नहीं करता, सोडियम को नहीं करता, ये ट्रेड भी नहीं है। अब आपके सामने आंसर फिर हो गया, नेम है ना। उसके बाद है नाइलॉन 6,6 इज ए पॉलीमर, नाइलॉन 6,6 किसका पॉलीमर, पता है, एडिपिक एसिड और, अब नहीं बताऊंगा आगे, एडिपिक एसिड और नहीं बताऊंगा, ठीक है, इन हिंट मिल गया है ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है जनाब। तो कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं होगा आप बताएंगे, देखिए ज़रा दिमाग लगा लीजिए। ग्लिप्टल, नाइलॉन 6,6, डेक्रॉन, PTFE, कौन सा कंडेंसेशन नहीं, दिख गया होगा आपको शायद। सेवन्थ वाले पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन सा कंडेंसेशन है, ये भी दिख गया होगा आपको, है ना, पॉलिस्ट्रीन, पैन, नियोप्रीन और कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, तो देख लीजिएगा, ध्यान लगाइए थोड़ा सा, ग्लाइकॉल थैलेट। एट में आइए, द मोनोमर PVC, PVC की मोनोमर दुनिया जानती है, विनाइल क्लोराइड नहीं, विनाइल क्या होती है, विनाइल क्लोराइड होती है, तो विनाइल क्लोराइड ढूंढिएगा कौन सा है इसमें, मुझे तो दिख नहीं रहा है विनाइल क्लोराइड, दिख रहा है आपको, चलिए कोई बात नहीं, दिख गया होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए को पॉलीमर, कौन सा को पॉलीमर है, पता है आपको, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए होमो पॉलीमर, कौन सा होमो पॉलीमर, ये भी आपको पता लग गया होगा इसमें, नायलॉन 6,6 बेकेलाइट तो है नहीं, नियोप्रीन और टेरिलीन, इनमें से ढूंढिए। उसके बाद 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पॉलीमर हैज़ दर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, दुनिया जानती है कि ताकत किसमें ज़्यादा होगी, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, दोनों में देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, है ना। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ। अब ये ना कहिएगा नहीं सर आपने नहीं सेलेक्ट किया, अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी वही हमारे लिए है। कैप्रोलैक्टम बहुत अच्छा मटेरियल है ये, नायलॉन अब आगे नहीं बोलूँगा, नायलॉन 6 है या 6,6 है, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइएगा ज़रूर, है ना। थायोकॉल एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थायोकॉल पूछा गया PGTs का क्वेश्चन है, थायोकॉल बताइएगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ किसका है, पता नहीं, है ना, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन गलत लिखा है इसमें, ब्यूटाडाइन कर लीजिएगा आप, मैं लिखे दे रहा हूँ 1,3 ब्यूटा या ब्यूटा 1,3 डाइन आजकल जो लिखा जाता है वो यही, हमारे जो प्रिंटिंग साहब हैं उन्होंने छाप दिया, कोई बात नहीं, 1,3 ब्यूटाडाइन सही भी चलता है, लेकिन ब्यूटा 1,3 डाइन एक करेक्ट नाम है, ठीक है। उसके बाद 15वां, सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथेलिक एसिड इज नोन एज, पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बेकेलाइट इज ऑप्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग, सबको पता है, मैंने पढ़ाया खूब। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को पॉलीमर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है जनाब। और लास्ट में अब आपको शायद इस वीडियो में बहुत कुछ दिख जाएगा जो मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, वो भी इसमें दिख रहा है, लेकिन दिखाऊंगा फिर भी नहीं आपको मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, कौन सा नेचुरल फाइबर है इसमें, जानते हैं दुनिया नायलॉन 6 नहीं है, है ना, रबर और स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर,
फाइबर बता पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा स्टार्च फाइबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, रबर फाइबर नहीं है, लेकिन कुछ है फाइबर जो आपको पता है ना। देखो चलो नेक्स्ट, जो मैं दिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको हिंट भी दिया है। पॉलीमर यूज इन द बुलेट प्रूफ ग्लास, बहुत पूछा गया है जनाब, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस क्वेश्चन पर, कौन सा पॉलीमर है जो किसमें यूज़ किया, ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज़ किया जाता है, बताइएगा। नायलॉन 6 ये पता है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, ये भी आपको पता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खैर मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, ये आंसर है। इनमें अगर आपको ज़रा भी कोई करेक्शन महसूस हो तो बेझिझक कर लीजिएगा, क्योंकि किसी से प्रिंट कराने में होता है कि आंसर अगर छुटपुट इधर उधर हो जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि सर आपने आंसर गलत लिख दिया, ऐसे कोई कमेंट ना करिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे भी, लेकिन हाँ सलाह आपकी मान्य है, अगर कोई सलाह मुझे लगती है तो मैं उसको स्वीकारता हूँ। ये आपने नोटिस किया होगा, आपने कहा सर आपने गलत पढ़ा दी, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं पढ़ाते समय जुबान फिसल गई मेरी, या मैंने ध्यान नहीं दिया, बोल गया बोलते समय, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा हमारा ख्याल रखेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, और इन्हीं के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करके और आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए मेथड के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन टेस्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।